नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के शहीदे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 साल का वक्त होने वाला है। एक्टर के लिए इंसाफ की मांग लगातार देखने को मिल रही है और अब इसी बीच आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने एक खुलासा करते हुए कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इतना ज्यादा मानती थी कि उनके निधन के बाद उन्हें गहरा सदमा लग गया, तभी से सुशांत के फैंस एक बार फिर से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में बताया कि जब सुशांत के निधन की उन्हें खबर मिली तो उन्हें कितना बड़ा झटका लगा। स्मृति ईरानी इस खबर पर भरोसा नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उन्होंने फोन कर एक्टर अमित साध से ये कंफर्म किया क्या ये खबर सच है। इसके बाद से ही लगातार एक बार फिर से स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस रिया चक्रवर्ती के लिए सजा की मांग एक बार फिर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर देखी गई थी। उनके खिलाफ छानबीन भी हुई, हालांकि एक्ट्रेस के खिलाफ कोर्ट की तरफ से कोई कड़ा फैसला नहीं आया, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से बिताती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सुशांत के फैंस और उनके परिवार को ये चीज कभी भी रास नहीं आई कि जहां एक ओर सुशांत इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर रिया अब अपनी लाइफ को बड़े ही आराम से काटती हुई नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के लिए सजा की मांग देखने को मिल रही है। तो क्या अब स्मृति ईरानी के इस इंटरव्यू के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से सीबीआई के शिकंजे में फंसती हुई दिखाई देंगी? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।